किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं रामगोपाल धाकड़। आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो किसान यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, अभी मैं रतलाम कृषि उपज मंडी में पहुंचा हूं और अभी 1 बज रहा है। रतलाम कृषि उपज मंडी में पहुंचने पर किसान साथियों, मैंने देखा है अभी मोबाइल में तो 1 बज रहा है और 1 बजे तक कितने वाहन रतलाम कृषि उपज मंडी में प्रवेश कर चुके हैं प्याज के और सोयाबीन के। इस वीडियो के माध्यम से दोनों की आवक के बारे में पूरी रिपोर्ट दूंगा। आप बने रहेगा इस वीडियो में मेरे साथ। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आज सोमवार के दिन किसान साथियों प्याज के वाहनों की संख्या कितनी है और उसके बाद में इस वीडियो में मैं आपको सोयाबीन के भी वाहन के का पूरा नज़ारा आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्याज की स्थिति कैसी है आज, तो देख लेते हैं ये पूरा नज़ारा। किसान साथियों, आप जो देख रहे हैं ये मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला रतलाम कृषि उपज मंडी में, और इस मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला के जो बाजू में मैदान है उस मैदान में प्याज के वाहन आज आप देख सकते हैं। आज सोमवार है और सोमवार के दिन प्याज की आवकों का ये नज़ारा आप देख सकते हैं किसान साथियों। कल भी मैंने आपको इसी समय बताया था कि रतलाम कृषि उपज मंडी में कितने वाहन आ चुके हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आज रतलाम कृषि उपज मंडी में आए हुए प्याज के वाहनों का ये नज़ारा। और आप देख सकते हैं कल जो वाहन मैंने आपको बताया था उस वाहन के पास में एक बैलगाड़ी भी पड़ी है प्याज के, शायद हो सकता है उसमें प्याज होगा। और बाकी ये जो आप जो ट्राली देख रहे हैं ये ट्राली शुरुआत में कल मैंने आपको बताई थी, और ये सभी किसान साथियों प्याज के वाहन हैं आज रतलाम कृषि उपज मंडी में आए हुए नीलामी के लिए। और इनकी नीलामी कल मंगलवार 9 नवंबर 2021 को होगी। और आप देख सकते हैं प्याज के वाहनों का ये पूरा नज़ारा आज रतलाम कृषि मंडी में सोमवार के दिन आए हुए, और देख सकते हैं किसान साथियों ये प्याज के वाहन रतलाम कृषि उपज मंडी में प्रवेश कर चुके हैं। और पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं, आखिरी तक आपको मैं जूम करके भी बता दूं कि रतलाम कृषि उपज मंडी में आए हुए ये वाहन, आप देख सकते हैं किसान साथियों प्याज के वाहनों का ये पूरा नज़ारा रतलाम कृषि उपज मंडी में आए हुए नीलामी के लिए। और यहाँ पर हमारे किसान साथी बैठे हैं, इनसे आपको परिचय करवा दूं कि रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज लेके आए हैं। भैया कौन से गांव से? निमाड़ी। अच्छा, आपका शुभ नाम? तूफान सिंह। तूफान सिंह जी निमाड़ी गाँव से आए हैं, ये ट्राली आप ही की है ना? तो देख सकते हैं इनके, भैया आप कहाँ से? अच्छा, प्याज लेके आए? अच्छा, तो देख सकते हैं इनके प्याज की क्वालिटी जो कल नीलाम होगा ये आज रतलाम कृषि मंडी में। कल आए आपके? आज ही आए? अच्छा, आज ही आए। कितने नंबर लगाए का नंबर? 284 है इनका नंबर। आप देख सकते हैं आज रतलाम कृषि उपज मंडी में प्रवेश कर चुके ये वाहन, इनका नंबर 284 है। और सोमवार को किसान साथियों आए हैं हमारे किसान साथी और कल नीलाम होगा इनका ये प्याज किसान साथियों। किसान साथियों आप देख सकते हैं ये सोयाबीन के वाहन हैं जो आज रतलाम कृषि उपज मंडी में आए हुए किसान साथियों। आज सोमवार है और सोमवार के दिन किसान साथियों आज कुछ संख्या बढ़ी है सोयाबीन के वाहनों की। कल भी मैंने आपको बताया था वीडियो के माध्यम से। और ये देख सकते हैं किसान साथियों ये जो बैलगाड़ी दिख रही है आपको, इस बैलगाड़ी से सबसे पहले किसान साथियों नीलामी शुरू होगी। और किसान साथियों कल जो नीलामी होगी वो मुहूर्त के हिसाब से शुरू होगी और इस बैलगाड़ी से प्रारंभ होगी नीलामी किसान साथियों, और जिसके बाद में फिर वाहनों की नीलामी होगी। और आप देख सकते हैं सोयाबीन के वाहनों का पूरा नज़ारा जो आज रतलाम कृषि उपज मंडी में सोमवार के दिन आए हैं
आए हुए हैं और इनके नीलामी मंगलवार को 9 नवंबर 2021 को होगी और देख सकते हैं वहां तक ये सोयाबीन के वाहन रतलाम कृषि उपज मंडी में आए हुए हैं। और ये जो शेड वाली जो लाइन है ये पूरी नहीं हुई है, लगभग इसके अंदाजे लगाएं तो 70 वाहन के लगभग अभी रतलाम कृषि उपज मंडी में सोयाबीन के वाहन प्रवेश कर चुके हैं। और ये देख सकते हैं आप पूरे वाहनों का नज़ारा, आज रतलाम कृषि उपज मंडी में सोयाबीन के वाहन है ये और इनकी नीलामी कल मंगलवार को शुरू होगी। और देख सकते हैं आप रतलाम कृषि उपज मंडी में सोयाबीन के वाहनों का ये पूरा किसान साथियों नज़ारा। तो किसान साथियों आपने देखा इस वीडियो में के सोयाबीन और प्याज के वाहनों का पूरा नज़ारा कि किधर कितने वाहन लगे हुए हैं, इसकी पूरी जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो अभी भी बता दूं किसान साथियों कि रतलाम कृषि उपज मंडी में सोयाबीन के जो वाहन हैं वो 70 वाहन के ऊपर अभी प्रवेश कर चुके हैं रतलाम कृषि उपज मंडी में कल की नीलामी के लिए, और मंगलवार को नीलामी चालू होगी। 9 अक्टूबर 2021 को नीलामी शुरू होगी मंगलवार को। और प्याज की स्थिति आपको बताइए कि प्याज की जो स्थिति है वो आज रतलाम कृषि उपज मंडी में 325 वाहन किसान साथियों 325 वाहन रतलाम कृषि उपज मंडी में प्रवेश कर चुके हैं और इनकी भी नीलामी कल मंगलवार को शुरू होगी। और आज मैं सोमवार के दिन 1 बजे करीबन किसान साथियों ये वीडियो बना रहा हूँ और 1 बजे तक की ये आवक है। अब शाम को और कल सुबह तक कितनी आवक बढ़ती है और कल सुबह भी आपको एक आवक का वीडियो बनाकर पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आज किसान साथियों ये थी रतलाम कृषि उपज मंडी में सोमवार की पूरी स्थिति की जानकारी। आप अब भी यह वीडियो में यही समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपको किसान साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।